तो रिटायर हो रहे मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक ढूंढ रहे हैं नया सियासी ठिकाना। कौन सी पार्टी है, किस नेता के जरिए वो 2024 में चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या है चर्चा, हम बताएंगे सतपाल मलिक के बारे में। आप ये भी जानिए कि आजम खान के बारे में आज पुलिस ने क्या ढूंढने की कोशिश की, हम सफर रिजॉर्ट में क्या तलाश रही थी रामपुर की पुलिस, और आज कहां आजम खान को झटका मिला है और कहां उन्हें मिली है राहत। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी सतपाल मलिक की। जी हां, मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद का उनका सियासी प्लान अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। सतपाल मलिक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने कार्यक्रम रखे थे, जिसमें वो किसानों से, प्रबुद्ध जनों से, जाट प्रतिनिधियों से, ऐसे लोगों से उनके मुलाकात के कार्यक्रम तय थे। शामली, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में उनके कार्यक्रम लगे थे कि जैसे ही वो रिटायर होंगे उसके बाद उनके ये दौरे, ये कार्यक्रम शुरू होंगे। चर्चा यह भी है कि सतपाल मलिक 2024 में आरएलडी की टिकट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के की जो सीट चर्चा में थी कि वो सीट सतपाल मलिक वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो है शामली की सीट। वो वहां से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी सियासी चर्चा उस इलाके में है। जो आरएलडी के नेता हैं, जो विधायक हैं, उनकी माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सुरक्षित सीट की तलाश सतपाल मलिक को थी और रिटायरमेंट के तुरंत बाद वो पूरी तरीके से सक्रिय होना चाहते हैं। एक कार्यक्रम शामली में 3 अक्टूबर का रखा गया था, जिसमें कि जिसका जो पूरा कार्यक्रम आरएलडी ने अपने तरफ से ऑर्गेनाइज किया था और जिसमें सतपाल मलिक को पहुंचना था और उसमें उन्हें संबोधन भी देना था। यानी कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में, आरएलडी के बनाए हुए कार्यक्रम में सतपाल मलिक शिरकत करते और ऐसे ही कई कार्यक्रम उनके लिए अलग अलग इलाकों में बनाए गए। तो यह माना जा रहा था कि सतपाल मलिक गवर्नर से रिटायर होने के तुरंत बाद सक्रिय हो जाएंगे और इसकी पूरी संभावना है कि वो सक्रिय रहेंगे, लेकिन 3 तारीख के कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और उसका हवाला यह दिया गया है कि चाहे जयंत चौधरी हो या फिर सतपाल मलिक, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, पदों पर हैं, ऐसी स्थिति में फिलहाल इसका ऐलान करना ठीक नहीं है। लेकिन जब पूरी तरीके से वो संवैधानिक पद से मुक्त हो जाएंगे, जब वो फ्री होंगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे, इसका इशारा उन्होंने कर दिया है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि उनकी कर्मभूमि या जन्मभूमि आप नहीं मान सकते, अगर वहां पर वो किसानों के बीच वो आरएलडी के कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय होते हैं, तो ये मान लीजिए कि 2024 पर उनकी नजर है। अब कब ये खुलकर सामने आएंगे, क्या ये गठबंधन, जो नया बन रहा गठबंधन है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को मोबिलाइज करने के लिए सामने आएंगे, ये तमाम बातें इस वक्त चर्चा में हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले 1.5 साल 2 सालों से जिस तरीके से सतपाल मलिक ने मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिस प्रकार किसानों के मुद्दे पर वो लगातार बोलते रहे, जिस प्रकार बड़े उद्योगपतियों खासकर अडानी और अंबानी के खिलाफ वो बोलते रहे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के अपॉइंट किए हुए गवर्नर हैं। उनकी जो बेबाकी रही, उन्होंने जो खुले तौर पर मोदी सरकार की आलोचना की, अब जब वो रिटायर हो गए हैं उसके बाद उनकी यही बातें उन्हें नए सियासी सफर की ओर ले जा सकता है। और चर्चा यही है कि सतपाल मलिक आरएलडी में शामिल होंगे, कब शामिल होंगे फिलहाल यह कहना मुश्किल है, लेकिन आरएलडी के रास्ते वो चलेंगे, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आरएलडी में शामिल होकर 2024 में आरएलडी की सिंबल पर वो चुनाव
लड़ना चाहते हैं शामली से, ये बातें भी आरएलडी के लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं, और आरएलडी के कार्यकर्ता, आरएलडी के नेता चाहते भी हैं कि सतपाल मलिक आए और उनके हाथों को मजबूत करें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आखिर क्यों ये कार्यक्रम रद्द किए गए? क्या सिर्फ ये वजह है कि वो संवैधानिक पोस्ट पर हैं, या फिर सांसद हैं जयंत चौधरी, या फिर इसमें कोई बात और है, पूरी डील अभी तक नहीं हो पाई है? ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर सतपाल मलिक का सियासी ठिकाना क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी मान लीजिए कि 2024 का चुनाव वो लड़ने के मूड में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ने के मूड में है, और उनको पूरी तरीके से जमीन से लेकर संगठन तक की मदद अगर कोई कर रहा है तो वो किसान संगठनों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आरएलडी है। और सिर्फ आरएलडी नहीं, अब हो सकता है कि विपक्ष का बन रहा जो बड़ा खेमा है वो उसके साथ हो जाए। अब अगली खबर। रामपुर पुलिस और रामपुर प्रशासन इन दिनों रामपुर से चोरी हुई बेशकीमती चीजें आजम खान की यूनिवर्सिटी, आजम खान के रिजॉर्ट, ऐसे जगहों में तलाश रहा है। आज ताजा मामला 2005 में चोरी हुए उस तिजोरी का है जिसके बारे में आज रामपुर की पुलिस आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर पहुंची। भारी संख्या में रामपुर प्रशासन हमसफर रिजॉर्ट पहुंचा था। मुखबिर की सूचना थी कि 2005 में जो सदियों पुराना एक नवाबों का की जो तिजोरी थी, जो बहुत बड़ी तिजोरी कही गई, ये 2005 में नगरपालिका से चोरी की गई थी। और मुखबिर की सूचना के मुताबिक ये आजम खान के रिजॉर्ट में रखी हुई थी। पुलिस ने आज इस सूचना के आधार पर वहां पर छापेमारी की, सघन तलाशी ली, लेकिन कई घंटों की तलाशी के बाद भी उन्हें वो तिजोरी नहीं मिली। कहा जाता है कि यह तिजोरी अपने आप में इसलिए बेशकीमती है क्योंकि यह कई सौ साल पुराना नवाबों की तिजोरी थी जिसे कि रामपुर की नगर पालिका में रखा गया था। 2005 में यह रामपुर नगर पालिका से यह चोरी हुई और आरोप इन दिनों कहा यह जा रहा है कि यह आजम खान के पास कहीं ना कहीं उनके हमसफर रिजॉर्ट में था। 2005 में ही इसकी चोरी का मामला दर्ज हुआ था, क्राइम नंबर 77 था 2005, और अब पुलिस उस तिजोरी को खंगाल रही थी। मुखबिरों की सूचना के मुताबिक रामपुर प्रशासन को तीन चीजें जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी। नगरपालिका की सड़क साफ करने वाली मशीन मिली थी जिसे काट करके जमीन के भीतर गाड़ दिया गया था, वो सूचना सही निकली और बाकायदा प्रशासन ने उस मशीन को उस कैंपस से बाहर निकाला है कुछ दिन पहले, उस पर एक FIR भी हुई है। उसके बाद जो हमसफर जो जौहर यूनिवर्सिटी का लिफ्ट है उसके शॉप से बकायदा वो पुस्तकें निकली जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी की पुस्तकें थी, जो दीनी मजहबी किताबें थी वो भी बरामद की गई। पहले ही आजम खान पर किताबों की चोरी का आरोप है और उन पर FIR है, लेकिन वो किताबें भी वहां से बरामद हुई। और उसके एक दिन बाद मदरसा आलिया से गायब हुए वो फर्नीचर भी उसी यूनिवर्सिटी कैंपस से मिले थे। तो जो पुलिस प्रशासन है, जो रामपुर का प्रशासन है, उसने तीन चीजें बरामद कर ली थी और आज मुखबिर की सूचना के मुताबिक जो नवाबों की जो तिजोरी थी जो कि नगरपालिका के पास रखी हुई थी, 2005 में जो चोरी की गई गायब हुई, उसे तलाशने आज पुलिस हमसफर रिजॉर्ट पर पहुंची थी। वही हमसफर रिजॉर्ट जो कि सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। कहा यह गया कि हमसफर रिजॉर्ट भी अवैध तरीके से बनाया गया है, उस पर भी मामले चले, लेकिन आज की मुखबिर की सूचना फिलहाल गलत निकली है और उस हमसफर रिजॉर्ट से वो तिजोरी बरामद नहीं हो पाई है। अब नजर इस बात पर भी होगी कि आखिर जो तिजोरी जो 2005 में गायब हुई थी जिसे अब तलाशा जा रहा है 2022 में, तो वो आखिरकार निकलती कहां से है। सबकी इस पर नजर रहेगी। वैसे आपको एक लाइन और बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आजम खान को इस मामले में फंसाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और एक के बाद एक गंभीर आरोप उन पर बेवजह लगाए जा रहे हैं। आजम खान निर्दोष हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का
मानना है, लेकिन इंतजार इस बात का भी होगा कि आखिर जांच में कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। अब अगली खबर, आजम खान के लिए ही आज खट्टी मीठी दोनों खबरें आईं। एक खबर ये जहां उन्हें राहत मिली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल चोरी की गई उस मशीन के मामले में जो FIR दर्ज हुई थी, जो कि उनके जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से जमीन के भीतर से बरामद की गई थी, उस पर अरेस्ट करने से मना कर दिया है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी पर उस मामले में रोक लगा दी है। तो ये आजम खान के लिए एक अच्छी खबर है कि इतने संगीन आरोप के बावजूद अदालत ने उन्हें इतनी राहत दी है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद ही इस मामले में कोई कार्रवाई हो सकेगी, कि चोरी की मशीनों को जमीन के भीतर दबाने का जो आरोप है, जो FIR हुआ है, उसमें फिलहाल उन्हें राहत मिली है कि उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन उनके लिए खट्टी खबर यानी थोड़ी तकलीफदेह खबर यह है कि उनके कई और जो क्लोज एसोसिएट रहे, माना जाता है कि ऐसे अधिकारी जो कि आजम खान के साथ पग पग पर उनके साथ रहे और उनके अच्छे बुरे कामों में उनके सहयोगी रहे, उनकी जमानत को आज एक बार फिर हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, यानी कि उनके जो क्लोज लोग, ऐसे लोग जो कि उनके साथ रहे, उन्हें कोई कानूनी राहत नहीं मिल पाई है। तो ये था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।